उस हमले के जख्म ने जिहड़े ओह अल्ले ने हरेक व्यक्ति के दिल दे विच, चाहे वह हिंदू होवे, सिख होवे, मुसलमान होवे, ईसाई होवे, और किसी भी पक्षों उस निर्मम हमले नू जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है जो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दरबार साहब के उपर किया। उस हमले की निंदा करदे आ उत्थे ही जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों, एस जी पी सी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी वालों और अकाली दल के सीनियर लीडर वालों खालिस्तान की मांग करना, उसनों जायज़ ठहराना, मैं समझदा कि इस दे नाल अकाली दल का दोगला चेहरा जिहड़ा वह सामने आ गया है। ये जो बयान जथेदार साहब का, एस जी पी सी प्रधान का और अकाली दल का है, मैं समझदा कि यह देश को तोड़ने वाला बयान है। अकाली दल और भाजपा लंबे समय तो लोगों दी वोटां बटोरदी रही है, ये अज बिल्ली है जिहड़ी वो इस गठजोड़ के थैले दे विचों बाहर आ चुकी है। देखो अज जिथे श्री दरबार साहब उपर हमला होए नू साका नीला तारा नू 36 साल हो गए ने, मैं समझदा कि 36 साल बाद भी अज उस हमले के जख्म ने जिहड़े वह अल्ले ने हरेक व्यक्ति के दिल दे विच, चाहे वह हिंदू होवे, सिख होवे, मुसलमान होवे, ईसाई होवे, और किसी भी पक्षों उस निर्मम हमले नू जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है जो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दरबार साहब के उपर किया। सो अज जिथे असी 36वीं वरेगंढ के उपर उस हमले की निंदा करते हैं उत्थे ही जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों, एस जी पी सी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी वालों और अकाली दल के सीनियर लीडर वालों खालिस्तान की मांग करना, उसनों जायज़ ठहराना, मैं समझदा कि इस दे नाल अकाली दल का दोगला चेहरा जिहड़ा वह सामने आ गया है। अज बिल्ली थैले दे विचों बाहर आ चुकी है अकाली भाजपा गठजोड़ दी, कि एक पासे जिथे बीजेपी के लोग, बीजेपी के लीडर खालिस्तान की मांग नू सिरे तो नकार रहे ने, उत्थे ही अकाली दल वध चढ़ के उसकी मांग कर रहा है। मैं समझदा कि इसे मुद्दे नू लैके लोगों दीआं धार्मिक भावनावां नू भड़का के उन्हां दे इमोशनस दे नाल, उन्हां दीआं भावनावां दे नाल खिलवाड़ करके किस तरीके दे नाल अकाली दल और भाजपा लंबे समय तो लोगों दीआं वोटां बटोरदी रही है, ये अज बिल्ली है जिहड़ी वो इस गठजोड़ दे थैले दे विचों बाहर आ चुकी है। सानू आम आदमी पार्टी नू 2017 दीआं चोणां तों पहलां खालिस्तानी गरदानिया सी इन्हां अकाली दल दे लोकां वल्लों, पर अज इन्हां दा अपना असली चेहरा जिहड़ा वो नंगा हो चुका है, पंजाब दे लोक ने जिहड़े समझ चुके ने। मैं समझदा कि अकाली दल दा, एस जी पी सी प्रधान का और जथेदार साहब का ये खालिस्तान की मांग करने का बयान है जिहड़ा वो गैर जिम्मेवाराना है, तो कोई भी पंजाबी अज इस बयान का समर्थन है जिहड़ा वो नहीं करता है। हाँ, अज खालिस्तान की नहीं दी मांग करने की लोड़ नहीं, अज खालस पंजाब नू ही खालस स्थान बनाने की लोड़ है। खालस मतलब प्योर शुद्ध, वो स्थान पंजाब वो स्थान होना चाहिए, हिंदुस्तान का भारत का हिस्सा होना चाहिए, अटुट अंग होना चाहिए, तो वह खालिस्तान प्योर शुद्ध स्थान होना चाहिए जिथे किसी भी नौजवान नू नशे की लत ना हो, कोई भी नौजवान रोजगार तो नौकरी तो बिना वांझा ना हो, कोई भी किसान खुदकुशी ना करता हो, कर्जा मुक्त पंजाब हो, पानी मिट्टी और हवा वो शुद्ध हो, किसानां नू उन्हां दा जिहड़ा मेहनत दा मुल है वह मिलदा होवे, इंडस्ट्री व्यापारी जिहड़े वह खुशहाल होण और पंजाब दे विच हर पासे खुशहाली होवे, एकता होवे, भाईचारक सांझ होवे, जो साडे गुरुआं पीरां पैगंबरां ने जो सुपना देखिया सी पंजाब दा, पंज आबां दी धरती पंजाब होना चाहीदा, अज वह खालस, खालस मतलब प्योर शुद्ध वो स्थान होना चाहिए पंजाब, ना कि खालिस्तान, वो खालिस्तान जिसकी मिट्टी, जिस दे सुपने दे विच ही हजारां सैकड़े लोगों के खून ने जिहड़े वो खून दे नाल वो रंगे हुए, वो खालिस्तान अज किसी नूं नहीं चाहिए। पंजाब नूं मुड़ के द्वारा पंज आबां दी धरती पंजाब बनाउण दी लोड़ है। उस पासे वल मैं समझदा कि सारियां नूं, सारियां पोलीटिकल पार्टियां नूं, सारियां सरकारां नूं चलना चाहिए। सो ये जो बयान जथेदार साहब का, एस जी पी सी प्रधान का और अकाली दल का है, मैं समझदा कि यह देश नूं तोड़न वाला बयान है। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।